गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माई डर फ्रेंड टूडेज नाइन्थ 9th टू थाउजेंड 2024, फोर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉग इन कर सकते हैं बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं रिकमेंडेड प्लेस पीठ है इस वीडियो की वन पॉइंट ऑफ द डे इज डू द बेस्ट यू कैन अंटिल यू नो बेटर देन वेन यू नो बेटर डू बेटर और आज के मिंट पेपर की सात इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है बिजनेस स्टैंडर्ड की चौदह इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम नौ न्यूज आर्टिकल्स कवर करेंगे तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है फूड सब्सिडी में टॉप रुपी टू पॉइंट टू ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो जैसे कि इंटरम बजट जो है वो प्रपेयर किया जा रहा है और उस इंट्रिम बजट को लेकर के कई सारे फोकास्टिंग स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कल की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी को लेकर कितना फोकास्ट रहेगा गवर्नमेंट कितना एलोकेशन कितने कितने एरिया में सेक्टर में कर सकती है उसी कंटेक्स में आज की न्यूज़ जो है वो फूड सब्सिडी को लेकर के है तो जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो अपकमिंग बजट है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.2 ट्रिलियन एलोकेट कर सकती है रुपीज़ टू पॉइंट टू ट्रिलियन एलोकेट कर सकती है किस लिए स्पेसिफिकली फूड सब्सिडी के लिए तो जो फोर्थ कमिंग बजट है उसमें फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हायर फार्म प्राइस देने के लिए फ्री फूड स्कीम को सपोर्ट करने के लिए एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट टू पॉइंट टू ट्रिलियन रुपी का एलोकेशन कर सकती है एज पर वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल और पिछले साल के कंपैरिजन में जो एलोकेशन है फूड सब्सिडी में ये दस परसेंट ज़्यादा है और इसके दो तीन रीज़न हैं अगर हम स्पेसिफिक रीज़न की बात करें तो गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो फूड सिक्योरिटी को लेकर के न्यूट्रिशन को लेकर के रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से फ़ूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली है पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट इस अमाउंट का एलोकेशन कर रही है अगर हम फूड सब्सिडी एलोकेशन की बात करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, तो 24 में इट वाज 1.97 ट्रिलियन तो पिछले साल यानी हम सोच सकते हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सिमेटली 1.97 ट्रिलियन का एलोकेशन फूड सब्सिडी में किया गया था जबकि अगर हम एक्चुअल आउटगो की बात करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है तो दो ट्रिलियन का मार्क जो है वो एक्चुअल आउटगो जो है वो क्रॉस कर चुका है एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्रॉस कर चुका है इट मींस जो एलोकेशन हुआ था उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर हमें फूड सब्सिडी के, के केस में देखने को मिल रहा है एज पर द डेटा और प्रॉब्ली इसी एक्सपेंडिचर को उसी आउटगो को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बार फूड सब्सिडी के एलोकेशन में इंक्रीज़ किया है यह हमें कह सकते हैं कि इंक्रीज कर सकती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पी एम और अदर स्कीम्स को एक्सटेंड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए उनके उसके एक्सटेंशन को सपोर्ट करने के लिए यह एलोकेशन किया जा रहा है हा हालांकि कोई अभी तक गवर्नमेंट के साइड से अनाउंसमेंट नहीं आया है यह भी नहीं क्लियर है कि इस इंट्रीम बजट में यह एलोकेशन जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा या जब इलेक्शन के बाद फुल फ्लेज बजट आएगा उसमें इस पर्टिकुलर एलोकेशन को अनाउंस किया जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सिडी रिवाइज एस्टिमेट्स बजटेड एस्टिमेट्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने कितना कितना एलोकेशन किया है फूड सब्सिडी के केस में और अगर हम इंडिया की बात करें अगर हम बजट देखें अपना यूनियन गवर्नमेंट का तो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एक होता है फूड सब्सिडी और दूसरा है फर्टिलाइजर सब्सिडी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये बहुत बड़े क्या बोलते हैं मेजर कॉम्पोनेंट हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का मेजर फाइनेंस जो है वो खर्च होता है तो फिलहाल के लिए फूड सब्सिडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और इस बार गवर्नमेंट पिछले साल के कम्पेरिजन में दस परसेंट इंक्रीज करने जा रही है रीजन बहुत सारे हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्राम मिट वेस्टिंग इन गिफ्ट सिटी में इंजॉय अ स्पेशल आउट तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक 16 मेंबर का एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अपॉइंट किया था किसने अपॉइंट किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आई अथॉरिटी ने तो आई अथॉरिटी या एफ अथॉरिटी ने एक 16 मेंबर का एक्सपर्ट पैनल या कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी और उस पर्टिकुलर कमेटी ने लास्ट वीक अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल काव आउट जो है वो प्रपोज किया जाए और उसी कंटेक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशली ऐसे म्यूचुअल फंड्स ये जो कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि गुजरात गिफ्ट सिटी एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं तो उनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है करंट क्या सिचुएशन है अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनी में किया है तो डेट आर कंसीडर्ड एज अ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट और इसकी वजह से उस पर कई सारी इन्वेस्टमेंट लिमिट और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं लेकिन अब इन्हीं इन्वेस्टमेंट लिमिट और रेगुलेशन को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है स्पेशली ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मोर स्पेसिफिकली गिफ्ट सिटी में मुझे ट्रेड कंपनीज हैं उनमें अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे तो उनको कुछ स्पेशल एग्जम्पन दिए जा रहे हैं बोले अगर कावआउट मीन्स तो कुछ स्पेशल एग्जम्पन दिए जा रहे हैं जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं होगा और अगर वो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं होगा तो डेफ़िनेटली उन पर बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स और इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगी जनरली हम सभी जानते हैं कि जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको फॉरन टेरीटरी के फॉर्म में उन पर जो भी टैक्स लाइबिलिटीज़ या जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो डोमेस्टिक uh, कंट्री से डिफरेंट होते हैं फॉरन कंट्री की तरफ फॉरन टेरीटरी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है स्पेशल कुछ एग्जामशन और कुछ स्पेशल लिमिट्स और रूल्स और रेगुलेशन आपकेबल होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो उसी को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गिफ्ट सिटी में जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं उनको एक स्पेशल कावाउट मैकेनिज्म दिया जाएगा और ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंटेक्स में जबकि गवर्नमेंट जो है वो ए -E की कंपनीज़ को डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए ओपन कर रही है जो इंडियन फर्म्स हैं जो एसी जेड -E में ऑपरेट कर रही हैं उनकी डायरेक्ट लिस्टिंग को गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है तो ऐसे कंटेक्स में ये जो डेवलपमेंट है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अलाउ किया है कि जो इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अप्रॉक्सिमेटी सेवन बिलियन जो है वो ओवरसीज कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है और अगर इंडिविजुअल फंड की बात करें तो किसी एक इंडिविजुअल कंपनीज को डॉलर वन बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं है एज पर द करेंटरियो एज पर द करंट रूल्स एंड रेगुलेशन अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप आई पी ओ बाउंड्री फॉर टॉप एट फर्स्ट क्राई ओला इलेक्ट्रिक तो टॉप जो एग्जीक्यूटिव हैं जो टॉप लीडर्स हैं किसके ओला इलेक्ट्रिक्स के और फर्स्ट क्राई के दे स्टैंड टू मेक अ ंडफ फॉल इन देयर कंपनीज अपकमिंग पब्लिक लिस्टिंग हम सभी जानते हैं कि दोनों ही कंपनीज आई के लिए जाने वाली हैं और उन्होंने अपना रेड ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो भी सबमिट कर दिया अगर आप अवेयर है रेगुलर हैं चैनल हो तो आपको पता भी होगा और उसी के कंटेक्स में ये न्यूज है कहा जा रहा है कि दोनों कंपनीज के जो टॉप एग्जीक्यूटिव है जैसे की बात है टॉप टेन एग्जीक्यूटिव ऑफ ओला इलेक्ट्रिक दे आर सिटिंग ऑन पोटेंशियल कैश वैल्यू ऑफ सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू करोड़ और इसमें अगर मिस्टर अग्रवाल के स्टेक की बात करें तो उनका स्टेक अब अकेले और अकेले केवल सोलह हज़ार करोड़ का है तो रिमेनिंग केवल सात सौ बानवे करोड़ के वर्थ बची है एंड रेस्ट एग्जेक्टिव और ग्रांटेड स्टॉक ऑप्शन ओवर द ईयर

कल की न्यूज़ में हमने सिंडिकेट लोन के रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया और कई सारे अदर जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनके रिकॉर्ड अचीवमेंट के बारे में डिस्कस किया आज की न्यूज़ जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में है और एज पर द करंट डेटा अगर हम कैलेंडर ईयर 2023 में देखें तो जो म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री है उसने अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन वर्थ के टोटल असेट्स जो हैं वो ऐड किए हैं और ये रिकॉर्ड वैल्यू है तो टेन ट्रिलियन के असेट अंडर मैनेजमेंट एडिशन हमें देखने को मिला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिसकी वजह से अगर क्यूमुलेटिव टैली देखें टोटल अब तक का जो एम ए, ए, है म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास वो 50 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है इन द मंथ ऑफ दिसंबर और पहली बार ये रिकॉर्ड जो है वो अचीव किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने तो 20 परसेंट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है असेट अंडर मैनेजमेंट टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर और अगर रीजन की बात करें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज जो 20 परसेंट का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है एयूएम में इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर दिस इज एक्चुअली फ्यूएल्ड बाय द रोबस्ट रैली इन द इक्विटी मार्केट इक्विटी मार्केट में जो हमें सडन रश देखने को मिला है और अगर आप कल आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपने आपने सुनी होगी तो उसमें भी हमने इक्विटी और डेट के बारे में और रिकॉर्ड जो सिंडिकेट लोन है उसके बारे में डिस्कस किया था तो जो रोबस्ट रैली हमें इक्विटी मार्केट में देखने को मिली है उसकी वजह से वन ट्रिलियन का नेट इनफ्लो हमें एक्टिव इक्विटी स्कीम्स में देखने को मिला और इसी पर्टिकुलर रोबोट्स रैली की वजह से स्पेशली इक्विटी मार्केट में हमें म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो ए यू एम है उसमें ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीज देखने को मिल रहा है और एस आई पी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसमें भी अप्रोक्सीमेटली टेन ट्रिलियन का हिट हमें इस ईयर के एंड तक देखने को मिला है तो ए यू एम ऑफ म्यूचुअल फंड जिसने अप्रोक्सीमेटली दो साल लिए तीस ट्रिलियन और चालीस ट्रिलियन तीस ट्रिलियन से चालीस ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए उसने जो नेक्स्ट ट्रिलियन है वो नेक्स्ट टेन ट्रिलियन है वो केवल और केवल के तेरह महीनों में अचीव कर लिया और ये डेटा किसका है डेटा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंडस इन इंडिया तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अब म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट कर रहे हैं स्पेशली इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में एंड इज अ गुड न्यूज फॉर एनी कंपनी सो दिस इज अ स्टडी राइज एस आई पी बाई एस आई पी आप देख सकते हैं और ये ग्राफ डेफिनेटली याद करने की जरूरत नहीं है कि एवरेज मंथली एम कितना है आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख सकते हैं अब देख लेते हैं नेक्स्ट ए टी कंजप्शन इन डिसम्बर सो टू फोर्टी सेवन मंथ्स हाई तो ये जो रिसेंट कैलेंडर ईयर एंड हुआ है इसमें कई सारे डेटा कई सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स कंजप्शन ने जो रिकॉर्ड अचीव किया है उसका डिस्कशन हमें मोस्ट ऑफ़ द न्यूज़ आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा है अभी हमने म्यूचुअल फंड्स की बात करी अब हम बात करते हैं ए टी की तो जो कैलेंडर ईयर 2023 खत्म हुआ है उसमें दिसंबर तक अगर का हम डेटा देखें तो हाईएस्ट कंजप्शन हमें देखने को मिल रहा है ए का व्हाट इज़ दिस ए एविएशन टबाइन फ्यूल तो दिसंबर में डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मूवमेंट में इंक्रीज होने की वजह से जो ए का कंजप्शन रहा वो हाईएस्ट रहा और 2020 से अगर हम देखें तो अभी तक का हाइएस्ट कंजप्शन है ए का इन केस ऑफ एनी मंथ और टोटल आ, डोमेस्टिक कंजप्शन की बात करें कि टोटल डोमेस्टिक कंजम्प्शन ए टी का कितना आया जिसको हम जेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सात लाख बीस हजार मेट्रिक टन का कंजप्शन रहा एज पर द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पी और इस दिसंबर जो दिसंबर 2023 से पहले जो सबसे हाईएस्ट कंजप्शन हमें कम देखने को मिला था जनवरी में देखने को मिला था कौन सा जनवरी में जनवरी 2022 में जब अप्रॉक्सीमेटली सात लाख उनतालीस हजार मेट्रिक टन या एम का हमें कंजप्शन देखने को मिला था तो उससे थोड़ा सा कम कंजप्शन डिसंबर में रहा लेकिन हाँ दिस इज द हाइस्ट कंजप्शन इन एनी मंथ सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो डेफिनेटली राइजिंग ट्रेंड है एविएशन टर्बाइन फिल्ड का डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट जो है वो भी उनका मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है आफ्टर पैंडमिक तो पैंडेमिक के बाद रिलैक्सेशन खत्म हुआ जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मूवमेंट है वो इंक्रीज हुआ फ्लाइट्स के रूट्स बढ़े जिसकी वजह से का कंजप्शन भी इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है हम देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड इंडियन आई सिक्स नॉम्स टू ईज पेइंग टैक्सेस तो अगर इंडियन कंपनीज की बात करें इंडियन इनकॉरपोरेशंस in की बात करें तो उनकी कुछ की डिमांड है फ्रॉम अपकमिंग बजट्स तो की डिमांड्स क्या हैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स की हम यहाँ बात करेंगे सारी डिमांड्स तो डेफिनेटली डिस्कस नहीं कर सकते जो इंडियन कंपनीज़ हैं दे वांट टू रैशनलाइज द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर तो कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की बात कर करें इसके अलावा टैक्स रेट्स में ये टैक्स स्लैब्स में स्टेबिलिटी की बात के लिए को लेकर डिमांड कर रही हैं इसके अलावा एग्जंपशन फ्रॉम एंजल टैक्स जो एंजल टैक्स लगता है स्टार्टअप्स पर उस पर भी कुछ रिलैक्सेशन के लिए जो कंपनीज हैं वो डिमांड कर रही हैं जिससे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो और अच्छे से मूव कर सके तो दीज आर द फ्यू की डिमांड्स ऑफ तो इंटन आईएनसीज फ्रॉम तो इंटिम बजट इसके अलावा कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स की भी बात कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है ई वाइज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बजट और उसको लेकर के इंडस्ट्री ने अपनी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने रखी है कि हम इस बजट में ये विश लिस्ट है हमारी हम ये ये चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है फॉर अपकमिंग इंटर्म बजट अब इस समय ये जो डिमांड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन शेड्यूल है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने इंटरम बजट में इन सारी डिमांड्स को कंसिडर कर सकता है और अगर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले तो डेफिनेटली हम इन सारे चेंजेस को डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो इंडियन कंपनीज हैं वो फिलहाल के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर में रैशनलाइजेशन लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं या लेट अस सी कि गवर्नमेंट इसमें से कितनी विश लिस्ट को कंसीडर करती है आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप सेंटर में टेक डॉलर थर्टी बिलियन एक्सपोर्ट हिट तो जो रेड सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग एप्रोक्सीमेटली डॉलर थर्टी बिलियन शेव ऑफ हो सकते हैं इन टोटल एक्सपोर्ट इन करंट फिसकल ईयर क्योंकि जो कार्गो वेसल रेड सी लैंड्स में जिनमें हमें पायरेसी और कई तरह के अटैम्प्ट तो देखने को मिल रहे हैं जहां पर शिपमेंट्स को ले कन्फ्यस्ट किया जा रहा है उसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फिलहाल के लिए फॉर टाइम भी वो अपने शिपमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं और शिपमेंट्स को होल्ड करने का बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन है तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ती है डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट बढ़ती है टाइमली प्रोडक्ट जो है आपका वो मार्केट में नहीं पहुँच पा रहा वेस्टेज इंक्रीज़ होता है आपके प्रोडक्ट का अगर पेरिशबल कमोडिटी है तो डेफिनेटली वेस्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है इसके अलावा और जो कुछ फ्यू जो कुछ चल भी रहे हैं जो एक्सपोर्टर जो शिपमेंट्स जो चल भी रहे हैं वो उनमें इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी लार्जर रूट लेंगे तो डेफिनेटली फ्यूल कंजन बढ़ेगा जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंपैक्ट कर रहा है और इनिशियल असेसमेंट जो है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि थिंक टैंक है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली हमें छह का ड्रॉप हमें एक्सपोर्ट में देखने को मिल सकता है इन कंपेरिजन टू लास्ट फिजिकल ईयर लास्ट फिजिकल ईयर में इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया था अप्रोक्सिमेटली डॉलर 451 बिलियन का एक्सपोर्ट था अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा ये न्यूज हमने बहुत अच्छे से कवर करी थी कि इंडिया का जो जो एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया था हमने न्यूज़ को डिटेल में कवर किया था तो उसी पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन रेड सी और जियोपोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप ई एस आई सी लीड्स ई पी एफ ओ इन वर्क फोर्स फॉर्मलाइजेशन तो गवर्नमेंट लेड इम्प्लॉ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसको हम ई एस आई सी के नाम से भी जानते हैं वो कंस टली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है किसको फॉर्मल वर्कफोर्स को और रिसेंटली उसका जो कवरेज रहा है वो ई पी से ज्यादा रहा है तो गवर्नमेंट रन इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बीन लीडिंग इन प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाई फॉर्मलाइजिंग द वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और यह हम कैसे कह रहे हैं डेफिनेटली जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें हाइएस्ट ग्रोथ कवरेज देखने को मिली है इनकेस ऑफसी इन कंपेरिजन टू ईपीएफओ तो जो गवर्नमेंट का डेटा है वो कही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएसआईसी कवरेज है वो ईपीएफओ से ज़्यादा है और ये कंपैरेटिव डेटा है कितने न्यू सब्सक्राइबर हमें दोनों ही केसेस में दोनों ई क्या है और ई क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कॉमन इनका अगर हम बोल रहे हैं तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम दैट इज ऑफर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर इंप्लाइज तो आप देख सकते हैं कि कितना हमें फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी और ट्वेंटी में इंक्रीज देखने को मिला है न्यू सब्सक्राइबर एडिशन कितना रहा है दोनों ही स्कीम्स में स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में और प्रोविडेंट फंड स्कीम्स में और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली एच आर ट्रेनिंग या किसी तरह के एच आर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने में आप देख लेते हैं हाई क्रेडिट प्रॉफिट इन Cute. तो जो क्रेडिट ग्रोथ रेट पिछले साल से स्टार्ट हुई थी वो अभी भी कंटिन्यू है और उसी क्रेडिट ग्रोथ को देखते हुए स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि जो हाई क्रेडिट है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर हाई क्रेडिट की वजह से और लोअर प्रोविजनिंग की वजह से लोअर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से बैंक जो हैं वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं स्पेशली इन क्वार्टर थ्री ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर तो ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली सोलह दशमलव सात परसेंट का इंक्रीज हमें बैंक्स के ग्रोथ नेट प्रॉफिट की ग्रोथ में देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो बैंक्स हैं टली सोलह परसेंट ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे रीजन दो ही हैं एक तो क्रेडिट ग्रोथ रेट है जिसकी वजह से बैंक्स का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो रहा है इसके अलावा लोअर प्रोविजनिंग या लोअर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से भी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों ही फैक्टर की वजह से जो बैंक्स हैं उनकी ने, उनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा इसका इंपैक्ट हमें नेट इंटरेस्ट इनकम पर भी देखने को मिलेगा सो दिस इज प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के डेटा को देखें भी तो कहीं ना कहीं क्लियरली विजिबल भी है कि क्रेडिट ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है स्ट्रॉन्गली इंक्रीज़ हो रही है और लोअर प्रोविजनिंग की वजह से बैंक्स का प्रॉफिट जो है वो बढ़ भी रहा है और अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको पता होगा आर ने इस पर्टिकुलर ग्रोथ को लेकर के इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को लेकर के कोशिश भी किया है बैंक्स को कि वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को बहुत स्ट्रेंदन करें क्योंकि जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ रेट अभी हमें देखने को मिल रही है स्पेशली अनसिक्योर्ड और इंडिविजुअल सेगमेंट में रिटेल सेगमेंट में उसका इंपैक्ट प्रॉबर्बली हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है अगर बैंक्स ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट नहीं करी सो दैट इज आवर टू डे स्टूडेंट्स प्लीज लाइक लेक्शन सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ नाइस डे